नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। माँ ने अपने ही तीन बच्चों को दे दिया जहर। यूपी के मऊ में सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने ही बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया। चौथे बेटे किस तरह से भाग निकला, तीनों बच्चों संग माँ की खुदकुशी की खबर में अफसरों पे खलबली मच गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी धनंजय मिश्रा की पुलिस बल के साथ ही मौके पर पहुंच गए। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जहर पीने वाली महिला समेत उसके तीन बच्चों को उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ही माँ व एक बच्चे की हालत गंभीर है। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए लूट। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में घर में घुसकर लूटपाट करने के आरोपी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान आरकेपुरम निवासी शुभम, निजामुद्दीन निवासी आसिफ और जमिया नगर निवासी मोहम्मद शरीफुल मुल्ला के रूप में हुई है। पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने शुभम को उसके दो साथियों के साथ सरोजिनी नगर इलाके में लूट की स्कूटी चलाते हुए पकड़ा गया। मुख्य आरोपी शुभम ने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि वह उसे रूठी हुई थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने शुभम नाम के अपराधियों के करीब 150 डॉक्यूमेंट चेक किए तो आरोपियों की पहचान की। इससे पहले शुभम के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, वहीं आसिफ और मुल्ला के खिलाफ तीन तीन मामले दर्ज हैं। उनके पास से दो स्कूटर, एक लैपटॉप, चार मोबाइल फोन, कपड़े, जूते, बैग और एक कलाई घड़ी बरामद हुई। प्यार में पागलपन, प्रेमी ने प्रेमिका को जबरन गले लगाया। केरल के कोझिकोड में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को आग लगा दी, उसके बाद उसने खुद को भी आग लगा दी। दोनों ही कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से झुलझने के कारण दोनों की मौत हो गई। युवती की मौत शुक्रवार शाम और युवक की मौत शनिवार सुबह हुई। नंदू और कृष्ण प्रिय स्थानीय रहवासी थे, रिलेशनशिप में थे। नंदू मोहन ने शुक्रवार को कृष्ण प्रिय मनोज के ऑफिस के बाहर पहुंचकर पहले उसे जबरदस्ती गले लगाया, फिर उसे चाकू मारा। इसके बाद उसने युवती को पेट्रोल डाला और आग लगा दी, फिर युवक ने खुद पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कृष्ण प्रिय ठिक्का देरी ग्राम पंचायत में प्लानिंग विभाग में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी, जबकि नंदू दिहाड़ी मजदूर था। अब सुर्खियों में थप्पड़ मारने वाला बीजेपी सांसद। यूपी के केसरगंज में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह युवा पहलवान को थप्पड़ जड़कर विवादों में आ गया। रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम का यह वाक्य अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल रांची में 3 दिवसीय U15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जहां ब्रिजभूषण बतौर मुख्य अतिथि मंच पर मौजूद थे। इस दौरान पहलवान डिस्क्वालीफाई होने पर सांसद से गुहार लगाने लगे। पहले तो सांसद ने पहलवान को समझाने की कोशिश की, नहीं माना तो मंच पर भी उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सास ने बहू को गरम चिमटे जलते कपूर से दागा। एक सास ने अंधविश्वास के नाम पर अपनी बहू के साथ बेरहमी की है। महिला की सास ने तंत्र मंत्र के नाम पर उसे गरम चिमटे से दागा, जिसके बाद वो जिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता के नाम संतोष देवी और वो 24 साल की है। इस घटना के अलवर का रैनी के दुमड़ा गांव की है। जानकारी के मुताबिक महिला की सास तांत्रिक के पास जाती रहती थी, वहां उसने जो देखा वही अपनी बहू और आजमा लिया। 8 दिन पहले ही पीड़िता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद उसे दौरे लगने लगा। सास ने दौरे खत्म करने के लिए जला हुआ कपूर और गर्म चिमटा बहू के हाथों की हथेली पर रख दिया है। इससे बहू के दोनों हाथ जल गए। फिर वो इसी हाल में बहू को तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन तांत्रिक ने जली महिला को देखा और कहा कि अस्पताल ले जाओ। जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर, मरीजों पर मुसीबत। नीट PG काउंसलिंग की मांग पर अड़े मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर शनिवार से फिर हड़ताल पर चले गए। SRN अस्पताल में धरने पर बैठ गए, वहीं पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर दिया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जबकि हड़ताल प्रबंधन का कहना है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों के इलाज से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सीनियर डॉक्टर OPD में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर DIG बंगले के सामने बदमाशों ने युवक को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंट इलाके में स्थित DIG के बंगले के सामने दावत के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान राजघाट के दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले रमेश कनौजिया को बदमाशों ने सीने से गोली मार दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।
बस्ती में कुएं में मिला युवक का शव। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के झाड़ी में स्थित कुएं में युवक की लाश मिली। गांव के कुछ बच्चों ने युवक कुएं में एक युवक को गिरा देखा तो गांव वालों ने सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कलवारी पुलिस ने सीढ़ी लगाकर रस्सी के सहारे किसी तरह कुएं से सबको निकलवाया। उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। युवक की कई हत्या कर लाश को कुएं में डाल देने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रोहित की जगह राहुल होंगे टेस्ट के नए उप कैप्टन। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर के 3 मैचों के टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। चोटिल रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज के एल राहुल को टेस्ट टीम का नया उप कैप्टन बनाया गया। बीसीसीआई के सूत्र ने ANSI से कंफर्म किया है कि राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टेस्ट टीम के उप कैप्टन होंगे। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा खुलासा। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से अपना सिर्फ परिचय कराने के लिए पिंकी ईरानी को बड़ी रकम दी थी। ईरानी को हाल ही में प्रवर्तन निदेशक ईडी ने गिरफ्तार किया। ANI के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को पिंकी ईरानी और सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में भेजा है। दोनों ही अलग अलग और एक साथ कई सवाल पूछकर बयान दर्ज किया गए हैं। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।